तो गाइस क्या आप लोग भी अपने फेसबुक के नेम को चेंज करना चाहते हो? गाइस आप लोगों से फेसबुक का नेम चेंज नहीं हो रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो। तो गाइस अब आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने फेसबुक के नेम को कैसे चेंज कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट, अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो गाइस सबसे पहले करना क्या होगा, गाइस सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से अपने फेसबुक को ओपन कर लेना। तो चलिए मैं गाइस यहाँ से अपने फटाफट से फेसबुक को एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मैंने अपने फेसबुक को यहाँ से ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद अब ऊपर की साइड में आप लोगों को यहाँ पर 6 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सो सबसे लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा 3 लाइन आपको ऐसे देखने को मिलेगी। तो ईजिली करना क्या होगा गाइस, आप लोगों को यहाँ पर इन 3 लाइनों पर क्लिक कर लेना। तो जैसा गाइस आप इन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब गाइस आप लोगों को नीचे की साइड थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, एंड स्क्रॉल करने के बाद अब नीचे की साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है सेटिंग का, जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ईजिली करना क्या होगा गाइस, यहाँ से आप लोगों को सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना, उसके बाद गाइस यहाँ से करना क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप से ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस करना क्या होगा, यहाँ पर आपको ये इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो करना क्या होगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। उसके बाद गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐड रेफरेंस। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट में क्लिक कर लेना पर्सनल डिटेल। सो ईजिली मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। ईजिली गाइस जैसे ही आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो अब आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल। तो ईजिली आप लोगों को प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो, जैसे कि मैं अपने फेसबुक को मैंने इंस्टाग्राम से लॉग इन कर रखा है, मतलब कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे कि अगर गाइस आप लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम से लिंक कर रखा है, तो आपके सामने कुछ इस टाइप से 2 प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। तो करना क्या होगा, यहाँ पर जो ये देखने को मिल रहा है आपको अर्चना सोनियाल फेसबुक, तो ईजिली करना क्या होगा गाइस, आप लोगों को यहाँ पर इस वाली आईडी पर टैप कर लेना। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपको नेम दिखेगा, उसके बाद आपको यूजर नेम देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल पिक्चर। तो करना क्या होगा, सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पर नेम पर क्लिक करना, उसके बाद गाइस आप लोगों को नेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस अब आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर जो भी आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं गाइस, आप लोग यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हैं। अब आप लोगों को नेम कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम, मतलब आप जो भी नेम रखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हैं। अब गाइस आप लोगों को नेम को कैसे चेंज करना है, जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर कोई और नेम रखना चाहता हूँ। तो गाइस अगर आप कोई और नेम चेंज रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ था अर्चना, अब मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अर्चना, कुछ और लिख लेता हूँ, मतलब अर्चना ए लिख लेता हूँ। जैसे कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अर्चना ए। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से नेम को चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड में रिव्यू चेंज, मतलब एक बार ये चेक करेंगे तो हम यहाँ पर ईजिली क्लिक कर देते हैं रिव्यू ए। तो करना क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप रिव्यू चेंज पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अब देखने को मिलेगा आपको सेव चेंज। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर सेव चेंज पर क्लिक करेंगे, तो आपका नेम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर नीचे की साइड में देख सकते हो, नेम अपडेट सक्सेसफुली। तो गाइस क्या हो सकता है, आपका नेम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। गाइस अगर आप लोगों का यहाँ पर फेसबुक नेम चेंज हो चुका है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना। अगर नहीं हुआ है तो मुझे ये भी बता देना कि आपको, मतलब आपका क्यों नहीं हुआ, मैं फिर आपको उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। और गाइस अगर आप लोगों ने अपना एक बार नेम चेंज कर दिया, तो 7 दिन के बाद आप अपना नेम चेंज नहीं कर सकते, मतलब 7 दिन के ही बाद आप लोग अपने नेम को चेंज कर सकते हो।